लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, बच्चों इस बार 7 सितंबर को जन्माष्टमी है, इसीलिए आज का बाल संस्कार केंद्रित है जन्माष्टमी पर। देवकी के घर जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो पहले चतुर्भुज रूप में जेल में भगवान ने दर्शन दिया। हे माता, हे वसुदेव, तुमने मन्वंतर के प्रारंभ में मुझे पाने के लिए तप किया था। उस समय तुम्हारा मन हमेशा मुझ में डूबा रहता था। मैं तुम पर प्रसन्न होकर वरदान देने आया तो मेरी योग माया ने आपकी बुद्धि को मेरे सगुण साकार अवतार की तरफ आकर्षित कर दिया। तुमने मुझे अपने पुत्र रूप में मांगा तो तुम्हारे तप, सहन शक्ति, सच्चाई, पर दुख कातरता के स्वभाव और एकांत चिंतन ने मुझे इतना प्रसन्न कर दिया कि मैंने कहा, मैं एक बार नहीं, तीन तीन बार तुम्हारा बेटा होऊंगा। तुम संकोच मत करो। हे माता, तू जब प्रिष्णी और पिता सुतपा नाम के थे, उस समय सतयुग में मैं अवतरित हुआ तो मैंने प्रिष्णी गर्भ नाम धारण किया था। फिर तुम अदिति और कश्यप बने थे, तब मैं उपेंद्र नाम से वामन भगवान होकर आया था। अभी तुम देवकी और वसुदेव बने हो और मैं श्री कृष्ण बनकर आ रहा हूँ। ये मेरा चतुर्भुज रूप मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि तुम मानो कि मैंने जो वरदान दिया था उसके मुताबिक तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हारा प्रेम संपादन करने आया हूँ। और ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, तुम मेरे लोक को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान नन्हे मुन्हे बाल गोपाल हो गए। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, मध्य रात्रि के घोर अंधकार में भी भगवान ने प्रकाश कर दिया। प्रेम से बोलेंगे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। हरिओम का गुंजन करेंगे। श्वास लो लंबा। बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शिखा स्पर्श। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम वि
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव ओम। अर्थात हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख है, वो हमें प्राप्त हो। पुरुष सूक्त का पाठ। चतुर्मास में भगवान विष्णु के सामने पुरुष सूक्त का पाठ करने से बुद्धि शक्ति बढ़ती है। चतुर्मास में पुरुष सूक्त का जप बुद्धि बढ़ाता है। वेदों में पुरुष सूक्त आता है। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ मा ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद्वैष्यः पद्भ्यागुशूद्रो अजायत। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। नाभ्या आसीदन्तरिक्षघुं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकान् अकल्पयन्। जत्पुरुखेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत। वसन्तोऽस्यासीदज्यं ग्रीक्म इद्मः शरद्धविः। सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिदः कृताः। देवाजध्यघ्यन्तन्वाना अवद्नन् पुरुखं पशुम्मा। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न। तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी विवेकवान जन हुए। क्षत्रिय अर्थात पराक्रमी व्यक्ति उसके शरीर में विद्यमान बाहुओं के समान है। वैश्य अर्थात पोषण शक्ति संपन्न व्यक्ति उसके जंघा एवं सेवा धर्मी व्यक्ति उसके पैर हुए। विराट पुरुष परमात्मा के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, कर्ण से वायु एवं प्राण तथा मुख से अग्नि का प्रकटीकरण हुआ। विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष, सिर से द्युलोक, पावों से भूमि तथा कानों से दिशाएं प्रकट हुईं। इसी प्रकार अनेकानेक लोकों को कल्पित किया गया है अर्थात रचा गया है। जब देवों ने विराट पुरुष रूप को हवि मानकर यज्ञ का शुभारंभ किया, तब घृत वसंत ऋतु, ईंधन समिधा ग्रीष्म ऋतु एवं हवि शरद ऋतु हुई। यहाँ सृष्टि यज्ञ के प्रारंभिक स्वरूप का वर्णन है। देवों ने जिस यज्ञ का विस्तार किया, उसमें विराट पुरुष को ही पशु हव्य रूप की भावना से बांधा अर्थात नियुक्त किया।
उसमें यज्ञ की 7 परिधियां, 7 समुद्र एवं 21 छंद अर्थात संविधाएं हुई। आदि श्रेष्ठ धर्म परायण देवों ने यज्ञ से यज्ञ रूप विराट सत्ता का यजन किया। यज्ञीय जीवन जीने वाले धार्मिक महात्मा जन पूर्व काल के साध्य देवताओं के निवास स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। स्तुति। भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने संपूर्ण विश्व को गीता का महान ज्ञान दिया है। अतः हम सभी बच्चे हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भुवो भरावतारकं भवाब्धी कर्णधारकं यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवम्। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो इस जगत की उत्पत्ति स्थिति के हेतु है तथा आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। भूमि के भार को उतारने वाले, दुष्टों को मारकर धरती का बोझ कम करने वाले, भवसागर से पार लगाने वाले, माता यशोदा के किशोर चित्तचोर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। सुंदर मनोहर नयन वाले, सदा ही भक्तों के द्वारा घिरे रहने वाले, भक्तों को नित्य ही नवीन दिखने वाले नंद के लाल भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। कहानी रुक्मिणी प्रसंग। विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक की एक श्रेष्ठ कन्या थी रुक्मिणी, जो परम बुद्धिमती सद्गुणों से संपन्न तथा भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा और प्रेम रखने वाली थी। इसके विपरीत उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी भगवान श्री कृष्ण का द्वेषी था। रुक्मिणी श्री कृष्ण के गुण यश पराक्रम आदि सद्गुण सुनकर मन ही मन संकल्प कर बैठी कि मैं वरूंगी तो गिरधर गोपाल को ही। जबकि श्री कृष्ण से द्वेष रखने के कारण रुक्मी ने अपनी बहन के लिए शिशुपाल को ही योग्य वर समझा। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय होने से वो बहुत उदास हो गई और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि कैसे वो उनका वरण करे। जीवन में कई बार विपरीत परिस्थिति आने पर जब बुद्धि में कुछ नहीं सूझता, उस समय परमात्मा की शरण ही एकमात्र सहारा होता है। निराश रुक्मिणी ने भगवान से सहायता और मार्गदर्शन के लिए एक गोपनीय पत्र लिखकर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए द्वारिका भेजा। द्वारिका पहुंचने पर ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने कोमल हाथों से उस ब्राह्मण देवता के पैर सहलाते हुए पूछते हैं, हे ब्राह्मण देव, आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं हुई? आप किस अभिलाषा से और कहां से इतना कठिन मार्ग तय करके यहां आए हैं? इस प्रकार पूछने पर ब्राह्मण देव ने श्री कृष्ण को रुक्मिणी का संदेश पत्र देते हुए कहा, हे यदुवंश शिरोमणि, यही अत्यंत गोपनीय संदेश के निमित्त मैं द्वारिका आया हूँ। आप इस पर विचार करके तुरंत उसके अनुसार कार्य कीजिए। एक निर्दोष असहाय बालक की तरह उस पत्र में रुक्मिणी ने अपने परमात्मा श्री कृष्ण से विनती की कि मेरे कुटुंबी जन मेरा विवाह मोह माया में पड़े हुए राजाओं से करना चाहते हैं, लेकिन हे अंतर्यामी, मैं आपको दिल से वर चुकी हूँ। आप यहाँ पधार कर मुझ पर कृपा कर अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। भक्त जब इस प्रकार अपने भगवान के पूर्ण शरणागत होता है
फिर उसके दुख हरने में भगवान देर नहीं करते। रुक्मिणी का संदेश पाकर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए कि ये जीव मुझ परमात्मा को वरना चाहता है। ईश्वर का तो ये सहज स्वभाव ही है कि अगर उन्हें कोई पाना चाहे तो वे उसका हाथ तुरंत पकड़ लेते हैं। रुक्मिणी पत्र में लिखती है कि अपने कुल की रीत के अनुसार विवाह से एक दिन पहले मैं अपने कुल देवी के दर्शन करने जाऊंगी, व्रत रखूंगी और हे नाथ, गांव के बाहर कुल देवी के मंदिर में जाते समय आप मेरा हाथ पकड़ लेना, मुझे अपनी चरण धूलि का प्रसाद देकर मेरा पाणी ग्रहण स्वीकार करना। रुक्मिणी की प्रार्थना सुनकर कुल देवी के मंदिर के बाहर श्री कृष्ण ने समस्त सैनिकों के देखते देखते उतनी भीड़ में से रुक्मिणी को उठाकर अपने रथ पर बिठा दिया और फिर तेजी से अपना रथ हांकने लगे। उसी समय रुक्मिणी का भाई जरासंघ तथा अन्य लोग एक अक्षौहिणी सेना लेकर उनके रास्ते में विरोध करने आ गए। पहले तो भगवान श्री कृष्ण के साथ आई यदुवंशी की सेना ने जरासंघ की सेना के साथ घमासान युद्ध किया और बाणों की वर्षा से जरासंघ के हाथी, घोड़े, धनुष, विपक्षी सेना सबको धाराशाही कर दिया। जरासंघ सहित सभी राजा युद्ध में पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। फिर अहंकार से भरे हुए रुक्मी की ललकार पर श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके भी हाथी, घोड़े, सारथी, रथ की ध्वजा आदि सबको तहस नहस कर दिया। उसने जो जो हथियार उठाए उन सबको भगवान श्री कृष्ण ने काट डाला। परंतु जैसे ही श्री कृष्ण उसका वध करने लगे तभी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, आप परम बलवान हैं भगवान, परंतु कल्याण स्वरूप भी हैं, अतः मेरे भाई को प्राण दंड नहीं दीजिए। इसी तरह मनुष्य भी माया के वश होकर अपने को देह मानकर मान बैठता है कि ये मित्र है, ये शत्रु है, अथवा ये अपना है और ये पराया, और इस प्रकार मोहवश होकर परमात्मा से लौकिक मांग करता है। ये बुद्धि की विषमता है, परंतु परमात्मा परम दयालु होकर जीव की लौकिक मांग भी स्वीकार कर लेते हैं, ये सोचकर कि कभी ना कभी तो ये जीव अपने स्वरूप में जगेगा। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने भयभीत रुक्मिणी की करुण पुकार स्वीकार करके रुक्मी का वध नहीं किया, केवल उसके बाल काट कर, दाढ़ी मूछ आदि का मुंडन कर उसे कुरूप बनाकर छोड़ दिया। बाद में बलराम जी के समझाने पर उदासीन रुक्मिणी जी ने विवेक बुद्धि का सहारा लेकर अपने मोह के मैल को दूर किया और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सब राजाओं को जीतकर विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी के साथ द्वारिका जाकर विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब तक बुद्धि में राग द्वेष आदि दोष होते हैं तब तक परमात्मा प्राप्ति मुश्किल लगती है, परंतु विवेक का सहारा लेकर और भगवान की पूर्ण शरणागति पाकर परमात्मा प्राप्ति सरल हो जाती है। साखियां, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भटकयो, सांझ परे घरे आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको किह विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बर बस मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, जियो तेरे कुछ भेद उपजी है, जानी पर आयो जायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब भी हसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। संस्कृति सुवास, जन्माष्टमी रहस्य। जन्माष्टमी बड़ा ही रहस्यमय महोत्सव है। भगवान श्री कृष्ण ने जेल में प्रकट होना पसंद किया। श्रावण के कृष्ण पक्ष की अष्टमी अंधकारमय रात्रि, अंधकारमय मध्य रात्रि, जो स्वयं प्रकाशमय है वो अंधकार की रात्रि पसंद कर लेता है, जो घटघट वासी है वो कारावास को पसंद कर लेता है, जो नित्य मुक्त है
वो साकार नन्हा मुन्हा रूप स्वीकार कर लेता है। माता पिता हथकड़ियों के साथ जेल में बंद हैं, चारों ओर विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं और उनके बीच श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अवतार ले रहे हैं, मानो ये संदेश दे रहे हो कि हे जीव, तुम्हारा जन्म अगर हथकड़ियों वाले माँ बाप के घर हो गया हो तब भी तुम अपने को दीनहीन मत मानना। तेरा जन्म अगर कारावास में भी हो गया हो तब भी तू चिंता मत कर, अपने आंतरिक दिव्यत्व को जगा, उन्नत कार्य कर, सत्संग कर, धर्म के अनुकूल आचरण कर, अपने छुपे हुए भगवत भाव को प्रकट कर, क्योंकि तू मेरा ही स्वरूप है। अवतार का अर्थ क्या है? अवतरति इति अवतारः, जो अवतरण करे, जो ऊपर से नीचे आए, वो अवतार है। भगवान स्वयं कृष्ण रूप में बालक होकर गुनगुनाता, गीत गाता, नाचता, खिलाता और खाता, अनेक अटखेलियां करता हुआ इस जीव को अपनी महिमा में जगाता है, उसी को श्री कृष्ण अवतार कहते हैं। कितना भी थका हारा जीव हो, अपने भीतर के उत्साह को जगाने का पर्व है जन्माष्टमी। हंसते खेलते मुसीबतों के सर पर पैर रखते हुए आनंद बांटने का पर्व है जन्माष्टमी। नर को अपने नारायण स्वभाव में जगाने का पर्व है जन्माष्टमी। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में चार विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार कौन से युग में हुआ था? विकल्प है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा पंजीरी का प्रसाद। जन्माष्टमी के दिनों में मिलने वाला पंजीरी का प्रसाद वायु नाशक होता है। उसमें धनिया, अजवायन, जीरा व गुड़ पड़ता है। इस मौसम में वायु की प्रधानता है, तो पंजीरी खाने खिलाने का उत्सव आ गया। ये मौसम मंदाग्नि का भी है। उपवास रखने से मंदाग्नि दूर होगी और शरीर में जो अनावश्यक द्रव्य पड़े हैं, उपवास करने से वे खींचकर जठर में आके स्वाहा हो जाएंगे। शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा तो पंजीरी खाने से वायु का प्रभाव दूर होगा और व्रत रखने से चित्त में भगवदीय प्रसन्नता उभरेगी। अपनी संस्कृति के एक एक त्योहार और एक एक खान पान में ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान छलकता जाए। जन्माष्टमी के दिन किया हुआ जप अनंत गुना फल देता है। उसमें भी जन्माष्टमी की पूरी रात जागरण करके जप ध्यान का विशेष महत्व है। जन्माष्टमी के दिन क्या करें क्या ना करें? भविष्य पुराण में लिखा है, जन्माष्टमी का व्रत अकाल मृत्यु नहीं होने देता है। जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनके घर में गर्भपात नहीं होता। एकादशी का व्रत हजारों लाखों पाप नष्ट करने वाला वरदान है, लेकिन जन्माष्टमी का व्रत हजार एकादशी व्रत रखने के पुण्य की बराबरी का है। एकादशी के दिन जो संयम होता है उससे ज्यादा संयम जन्माष्टमी को होना चाहिए। बाजारू वस्तु तो वैसे भी साधक के लिए विष है, लेकिन जन्माष्टमी के दिन तो चटोरापन, चाय, नाश्ता या इधर उधर का कचरा अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन किया हुआ जप, रात्रि जागरण अनंत गुना फल देता है। तो बच्चों, आप भी जन्माष्टमी के दिन हिम्मत करके उपवास करना, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनना, जागरण करना, इससे स्वास्थ्य के साथ साथ बुद्धि में भी विलक्षण योग्यता निखर जाएगी। परिप्रश्नेन, कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है? उत्तर, भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को निमित्त बनाकर कहते हैं, कर्मों का फल चक्रविधि सूद के साथ 6 साल में दुगुना, 12 साल में 4 गुना
18 साल में 8 गुना और 24 साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे बाणों की शैया पर सोना पड़े। मैंने इस जन्म और पिछले 73 जन्म में तो कोई ऐसा पाप नहीं किया। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे संयम मूर्ति भीष्म, 74वें जन्म में जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए। वहां आपने आग के पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में बबूल का शूल चुभाया था। उसी क्रूर कर्म का फल घूमते फिरते अब मिल रहा है। पूज्य बापूजी कहते हैं, इसीलिए कृपानाथ, जब आप कर्म करते हैं तो पहले 4 बार सोच लेना चाहिए कि इस कर्म का फल क्या, इससे क्या चीज मिलेगी, कब तक टिकेगी, पाप क्यों करूं, सत्कर्म करता हूं तो इसका फल नश्वर चाहूं या शाश्वत चाहूं। इस प्रकार अगर आपकी बुद्धि में प्रकाश होगा तो साक्षात्कार का वरदान पचा सकेगी। विधि, अब बारी है गतिविधि की, श्री कृष्ण की लीलाएं। बच्चों, नीचे लिखी श्री कृष्ण की लीलाओं में जो लीला पहले हुई वो ऊपर और जो लीला उसके बाद हुई वो नीचे, इस प्रकार क्रमशः व्यवस्थित करना है। देखते हैं कौन सबसे पहले सही करके लाता है। कंस का वध, गीता का उपदेश, गुरु संदीपनी के मित्र मृत पुत्र को वापस लाना, गोवर्धन पर्वत लीला, जरासंघ के साथ युद्ध, द्वारिका का निर्माण, परीक्षित के गर्भ में रक्षा, पूतना का वध, महर्षि संदीपनी से दीक्षा, माखन चोरी लीला, रुक्मणी वरण, शांति दूत बनना, श्री कृष्ण और कालिया नाग का युद्ध, श्री कृष्ण का जन्म, श्री बलराम का जन्म, सुदामा मिलन। गतिविधि का उत्तर, श्री बलराम का जन्म, श्री कृष्ण का जन्म, पूतना का वध, माखन चोरी लीला, श्री कृष्ण और कालिया नाग का युद्ध, गोवर्धन पर्वत लीला, कंस का वध, महर्षि संदीपनी से दीक्षा, गुरु संदीपनी के मृत पुत्र को वापस लाना, जरासंघ के साथ युद्ध, द्वारिका का निर्माण, रुक्मिणी वरण, सुदामा मिलन, शांति दूत बनना, गीता का उपदेश, परीक्षित की गर्भ में रक्षा। गृह कार्य, जन्माष्टमी के दिन सभी बच्चे उपवास करेंगे और उस दिन ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे और माखन मिश्री पंजीरी का प्रसाद खाएंगे। जिन बच्चों ने इस तरह जन्माष्टमी मनाया हो वो अपनी डायरी में लिख कर लाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से आपने क्या सीखा ये भी आप अपनी डायरी में लिख कर लाएंगे। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। एक दिन मन उकता गया, किया दिशा से पूछ, आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूं, बेनारेश्वर धाम पधारे, जा पहुँचे नर्मदा किनारे, मीलों पीछे छोड़ा मंदिर, गए घोर जंगल के अंदर, घने वृक्ष तले पत्थर पर बैठे ध्यान निरंजन का, रात गई प्रभात हो आई, बाल रवि ने सूरत दिखाई, प्रातः पक्षी कोयल को कंता, छोटा ध्यान उठे तब संता, प्रातः विधि निवृत्त हो आए, तब आभास क्षुधा का पाए,
सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ कर अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। ज्यों ही मन विचार वे लाए, त्यों ही दो किसान वहाए। दोनों सिर पर बांधे साफा, खाद्य पेय लिए दोनों हाथ। बोले जीवन सफल है आज, अर्घ्य स्वीकारो महाराज। बोले संत और पे जाओ, जो है तुम्हारा उसे खिलाओ। बोले किसान आपको देखा, स्वप्न में मार्ग रात को देखा। हमारा ना कोई संत है दूजा, आओ गाव कर तुम्हारी पूजा। आशा राम जी मन में धारे, निराकार आधार हमारे। पिया पे थोड़ा फल खाया, नदी किनारे जोगी धाया। अब हम पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुनेंगे सत्संग। श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? आज समूचे विश्व में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। चारों ओर से एक ही आवाज आती है, नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आइए सुनते हैं विश्व विख्यात ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू के श्रीमुख से कि कौन है ये नंद, कैसे होते हैं हाथी घोड़े और कैसा होता है वो आनंद। जैसे तरंग समुद्र में मिल गई, फिर चाहे तरंग होकर नाचे कूदे तो कोई फर्क नहीं, वो अपने को पानी जानती है तो सागर है। ऐसे जीव अपने को ब्रह्म जानता है तो ब्रह्म है। तो ये जीव आत्मा अपने को ब्रह्म जाने, इसलिए आदि भौतिक लीला, आदि दैविक लीला और चिन्मय लीला होती। तो भगवान कृष्ण का ये प्रेम अवतार है, लौकिक व्यवहार भी है, लेकिन लौकिक को लांग कर अलौकिक और चिन्मय लीला भी श्री कृष्ण के जीवन में देखी सुनी पाई जाती। इसलिए श्री कृष्ण को कहते वंदे कृष्णम जगत गुरु। भगवान कहते हैं असत क्या है, बोले मैं हूं। सत क्या है, बोले मैं हूं। सत असत चाहम अर्जुन। जीवन क्या है, बोले मैं हूं। और मृत्यु क्या है, बोले मैं ही। जैसे सपने में जीवन भी होता है किसी का और मृत्यु भी होता है, और दोनों आत्मा के ही विवर्त है, ऐसे ही जीवन मृत्यु सुख दुख मित्र शत्रु सब भगवान में ही प्रकट हुए और भगवान में लीला कर रहे। जिसकी सत्ता से मित्र की आंख देखती है, शत्रु की आंख भी उसकी सत्ता से देखती है, क्या ख्याल है। जिसकी सत्ता से मित्र हमारे लिए स्नेह भरा सोचता है, उसी परमेश्वर की सत्ता से शत्रु हमारे लिए घाट गढ़ता है हमको फंसाने का, क्या ख्याल है। सत असत चाहम अर्जुना। वो भगवान अपने आपा का ज्ञान, अपने रसमय चिन्मय नित्य चिन्मय लीला का ज्ञान ध्यान और रस तुम्हें देने के लिए अवतरित होते हैं और फिर उपदेश और प्रसंग होते हैं। जन्माष्टमी कब से मनाई जाती है, बोलो। ये प्रश्न भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि जन्माष्टमी उत्सव का प्रादुर्भाव कैसे कब से हुआ। माधव केशव आपके श्रीमुख से ही सुनना चाहता हूं। और भगवान ने युधिष्ठिर को सुनाया। कि मैं और बलराम जब कंस के कपट यज्ञ में गए थे,
धनुष याग या जो भी कुछ यज्ञ था बुलाया था श्याम बलराम को मार डालने के लिए। तो फिर अंत में जब कंस की मृत्यु हुई तो मां देव की सखियों से गिरी हुई आई मेरे पास और फुट फुट कर प्रेम आंसू बहाते हुए रोई है और वसुदेव जी भी आए और कई मेरे इर्द गिर्द महानुभाव बुद्धिमान लोग खड़े हो गए। वसुदेव जी भी फुट फुट कर रोने लगे कि कहां तो कोमल मक्खन पिंड और कहां चारों को मुष्टिक और पागल हाथी और कंस जैसा क्रूर मेरा बच्चे की रक्षा हो। मल्ल युद्ध में मैंने हनुमान जी को सवामन बूंदी के लड्डू चढ़ाने की प्रतिज्ञा की इसलिए कृष्ण तुम्हारा विजय हुआ है। कृष्ण कहते हैं हाँ मैंने देखा था कोई पूंछ वाला कोई बड़ा बड़ा बोले वो हनुमान जी बेटे प्रभु तो तभी मेरा विजय हुआ। ऐसी लीला करते हुए मैंने सबको धन्यवाद सबका धन्यवाद लेते देते आखिर सबने आग्रह किया कि मधुसूदन हे कंस चारु के मर्दन करने वाले आपके प्रागट्य दिवस का आप वर्णन करो तो आपका जन्म कब हुआ और हम कैसे मनाएं। युधिष्ठिर तब हमने कहा कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी मध्य रात्रि अंधकार में निराशा में आशा का दीपक दुख और चिंता में प्रेम और आनंद की अनुभूति कराने वाला मेरा अवतरण हुआ। अवतरण किसे कहते हैं जो ऊपर से नीचे आए है तो प्रधानमंत्री लेकिन ऑफिस में छोटे से क्लार्क के साथ बैठकर उसके काम सिखाने लग गए है तो उद्योगपति मालिक खुद लेकिन फैक्ट्री में आकर अपने कर्मचारियों के साथ काम करके दिखा रहे और सिखा रहे और एकाकार हो रहे। तो ये हो गया मालिक का फैक्ट्री में अवतार। प्रधानमंत्री का साधारण लोगों के साथ मिलकर काम करने का हो गया अवतार। ऐसे सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार संकल्प बल से होता है। फिर भी सृष्टि में किसी को बाप बनाता हूँ किसी को माँ बनाता हूँ किसी को मित्र बनाता हूँ ये मेरा हो गया अवतरण। तो ये अवतरण दिवस कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ और इस दिन पहले सातम के दिन लघु भोजन थोड़ा भोजन करें अष्टमी को उपवास करें और अर्घ्य फल फूल पत्रम पुष्पम से मेरा पूजन श्रृंगार आदि करें रात्रि का जागरण जप करें। इस प्रकार भगवान ने विस्तार से उन लोगों को बताया उसका वर्णन युधिष्ठिर महाराज को कहा कि तब से ये जन्माष्टमी का उत्सव उन्होंने शुरू किया और धीरे धीरे उसका प्रचार होते होते देश भर में विश्व भर में व्याप गया। नंद एक जीव है और नंद के हृदय में भगवत रस चिन्ह में आनंद आया नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दे डाले भौतिक चीजें फीकी लगी दूसरों के हित में लगी हाथी दीने घोड़े दीने और दीने पालकी नंद घेर आनंद भयो जब चिन्मय सुख मिलता है इस जीव को अर्थात लहर जब सागर बनती है तो अपना आपा सभी लहरों को दे देती ऐसे जीव जब ब्रह्म सुख में होता है तो अपनी योग्यता सभी के हित में लगा देता है। इसी को बोलते कि महापुरुष की पहचान क्या बोले सर्वभूता ही तेरता अपने तन से मन से और निर्विकल्प समाधि से भी जो सामर्थ्य और योग्यता आती वो भी दूसरों के लिए लगाते जैसे भगवान का सब कुछ दूसरों के मंगल के लिए है ऐसे भगवान को पाए हुए महापुरुषों का भी जीवन और स्वभाव सबके मंगल के लिए हो जाता है। अब तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए।
भगवान चतुर्भुज ने देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में कौन से तीन अवतार लिए थे? रुक्मणी ने श्री कृष्ण से पत्र में क्या निवेदन किया? रुक्मणी के पत्र का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? पंजीरी का प्रसाद खाने से क्या लाभ होता है? भगवान श्री कृष्ण का अवतार हमें क्या संदेश देता है? अवतार का अर्थ क्या होता है? जन्माष्टमी के व्रत का क्या फल होता है? जन्माष्टमी किस प्रकार मनाना चाहिए? कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? कीर्तन। जन्माष्टमी की धूम बापू संग झूम। सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े होकर नृत्य करेंगे। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतुमे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती, कृपा आपकी भव से है तारती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, बसा के तेरी मोह।
मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही लिखा, वेद पुराणों में भी है यही लिखा। ज्ञानियों विज्ञानियों ने है यही कहा, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर, सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर। सतगुरु के नाम का अनोखा है असर, गुरु कृपा ही पापों को संहारती, गुरु कृपा ही पापों को संहारती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, धनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देव मनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहें तो काल रथ रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। अर्थात, हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है सी, द्वापर युग।